हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे। वेल दोस्तों, आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया में सबसे छोटे देशों में से एक है, जिसके चारों तरफ पानी ही पानी है। दोस्तों, यहाँ के लोग दुनिया के सबसे मोटे लोग माने जाते हैं। एक ऐसा देश जहाँ आपको एक भी ATM नहीं मिलेगा। यकीन नहीं हुआ ना, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। इस देश का पूरा नगद नारायण जो होता है, इस देश में आपको सेना नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई सेना ही नहीं। देश ये जाना जाता है अपने यहाँ की कोकोनट प्रोडक्ट के लिए। यहाँ के लोग दुनिया के सबसे बेहतरीन नाविक माना जाते हैं। दोस्तों, यहाँ की आबादी अपने देश के कई गाँवों से भी कम है। एक ऐसा देश जो धीरे धीरे जमा रहा है समुद्र में। समुद्र से घिरा देश होना और वहाँ के नागरिक भी बड़े ईमानदार होते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रशांत महासागर में स्थित एक बेहद ही खूबसूरत देश तुवालू के बारे में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। आपको बता दूं, तुवालू जिसे पहले एलिस द्वीप के नाम से जाना जाता था, ये प्रशांत महासागर में ओशिनिया का पोलिनेशियन का एक द्वीप है। ये द्वीप हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है। तुवालू द्वीप सांता क्रूज के पूर्व उत्तर में, पूर्व में वानुअतु के उत्तर पूर्व में, नाउरू के दक्षिण पूर्व में, किरबाती के दक्षिण में, टोकेलाउ के पश्चिम में, समोआ और वालिस और फ्यूचुना के उत्तर पश्चिम में और फिजी के उत्तर में स्थित है। फनाफुटी इस द्वीप की राजधानी है और यहाँ की सबसे बड़ा शहर भी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि तुवालू की कुल जनसंख्या का 61% जनसंख्या इसी शहर में रहती है, यानी कुल आबादी के आधे से भी ज्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं। ये शहर 2.4 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस शहर की पॉपुलेशन डेंसिटी है 2600 आदमी की, जो कि बहुत ही सघन मानी जाती है। यहाँ की करेंसी की अगर बात करें तो इस देश में तुवालून डॉलर और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर चलता है। यहाँ की अगर आधिकारिक भाषा की बात करें तो यहाँ के लोग आपको तुवालुआन और अंग्रेजी बोलते हुए नजर आएंगे। ये लोग अपनी भाषा के प्रति बहुत ही सचेत माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ क्ले लोग अपनी भाषा से बहुत प्यार करते हैं। ये लोग कभी भी अभद्र बोली का इस्तेमाल नहीं करते, जिससे कि बातचीत हो तब इनकी बोली बहुत मीठी होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तुवालू देश पूरी तरह से कोरल एटोल से बने हुए हैं। अगर आप एटोल के बारे में नहीं जानते तो हम आपको बता देते हैं कि एटोल एक ज्वालामुखी का अवशेष होता है जो पानी की सतह के नीचे डूबा होता है। अब तो आप समझ गए होंगे कि तुवालू द्वीप पूरी तरह से ज्वालामुखी के अवशेष पर बसा हुआ है। दोस्तों, तुवालू में मतलब पूरी दुनिया में 4 ऐसे देश हैं जो पूरी तरह से कोरल एटोल से बने हैं: तुवालू, मार्शल द्वीप समूह, किरबाती और मालदीव। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी, इस देश में डिजिटल लेन देन नहीं होता, यानी अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको अपने साथ पर्याप्त कैश लेकर आना होगा, क्योंकि इस देश में कहीं कोई क्रेडिट कार्ड स्वीकार नहीं किया जाता। दोस्तों, ये दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहाँ पर कोई ATM भी नहीं है। अगर आपके पास नकदी है तो आपको यहाँ पर बहुत ही मुश्किल होने वाली है। जो भी काम यहाँ पे होता है ना, वो सारे काम नगद में होते हैं। ये देश बहुत छोटा है, इसलिए यहाँ क्रेडिट कार्ड का भी उपयोग नहीं होता। अगर आप कभी यहाँ आते हैं तो सबसे जरूरी बात, अपने पास नगद करेंसी रखना बिल्कुल ना भूलें। अब आपको इस देश के नाम का अर्थ बता देते हैं। दोस्तों, तुवालू शब्द का अर्थ होता है 9, मतलब एक साथ खड़े होना। ये नाम इस देश में 9 मूल बसे हुए द्वीप के लिए रखा गया है। आप तुवालू के झंडे में भी 9 सितारों को देख सकते हैं, जो कि इसी द्वीप को दर्शाते हैं। अगर यहाँ की अर्थव्यवस्था की बात करें तो इस देश में दुनिया का सबसे छोटा सकल घरेलू उत्पाद है। यहाँ की GDP को देखें तो ये केवल $43 मिलियन की है। इसका मुख्य वजह है यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की कमी का होना। इस देश में कुछ ऐसा ही नहीं है जिससे कोई भी आमदनी हो जाए। थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको मछली और कोकोनट प्रोडक्ट का उत्पादन करते हुए नजर आएंगे लोग। देश की आबादी कम होने के कारण ह्यूमन रिसोर्सेज भी ना के बराबर है। दोस्तों, हम अक्सर अपनी छुट्टियां बिताने के लिए देश विदेश की यात्रा करते हैं। बहुत सारे लोग भी हमारे देश में घूमने के लिए आते हैं। किसी भी देश के विकास और अर्थव्यवस्था में पर्यटन उद्योग का बहुत अहम योगदान होता है। हमारे देश में हर साल विदेशों से लाखों लोग घूमने के लिए आते हैं और यहाँ के बहुत सारे लोगों को इससे रोजगार मिलता है। लेकिन जो बात अब मैं आपको बताने वाला हूँ, जानकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि जानकारी बहुत अनूठी है। तुवालू पूरी दुनिया में ऐसा देश है जहाँ सबसे कम पर्यटक आते हैं, और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में पूरे साल में केवल 2000 पर्यटक आते हैं। चारों तरफ समुद्र से घिरा ये देश बड़ा ही खूबसूरत है। पता नहीं लोग इसके बारे में क्या नहीं जानते कि जाना नहीं चाहते। आपको बता दूं, ये देश 19वीं सदी के अंत तक ब्लैक बडिंग के नाम से पीड़ित था। इस देश के लोगों को फिजी और ऑस्ट्रेलिया में जबरदस्ती वृक्ष रोपण के लिए अपहरण करके लिया जाता था, और उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार होता था। इन लोगों के साथ गुलामी की तरह व्यवहार होता था। जो एक बार इसमें फंस गया, वो जिंदगी भर गुलामी भरा जीवन गुजारने के लिए विवश होता था। 1872 में इस मनहूस प्रथा का अंत हुआ, क्योंकि कई देशों ने विदेशी मजदूरों की भर्ती पर प्रतिबंध लगा दिया। तुवालू द्वीप समूह को कभी एलिस द्वीप समूह के नाम से भी जाना जाता था। उनका नाम ब्रिटिश सांसद एडवर्ड एलिस के नाम पर रखा गया, जब उनके जहाजों में से एक ने फूना फूटा का दौरा किया था। ये नाम उस समय यहाँ के द्वीपों पर लागू था। इस देश के रहने वाले लोगों को दुनिया के सबसे अच्छे नाविक माना जाता है। चारों तरफ समुद्र से घिरा होने के कारण यहाँ के लोग बचपन से ही समुद्र को अच्छी तरह से जानते हैं। ये लोग मछली पकड़ने में बहुत माहिर होते हैं।
यहाँ की कुल व्यस्क आबादी का 15% व्यस्क पुरुष विदेशों में समुद्री उद्योग में काम करते हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि विदेशों से आए इस देश की कुल जीडीपी का 10% होता है। ये लोग भले ही बहुत ही गरीब हों, लेकिन इनके अंदर ईमानदारी कूट कूट के भरी है। यहाँ के लोग दुनिया के सबसे कम ईमानदार लोगों में से एक माने जाते हैं। ये लोग जितना कमाते हैं उतने में संतोष रहते हैं। ये लोग मेहनत करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। गलत कामों से लोग कोसों दूर होते हैं। अगर इनको सड़क किनारे पैसे मिल जाएं तो ये लोग उसको उठाते नहीं है। आपको बता दूं कि तुवालू दुनिया के उन 22 देशों में शामिल है जिसके पास सेना नहीं है। वैसे भी देश चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ, बहुत ही कम आबादी के साथ बहुत ही छोटा भी है। इसको सेना की जरूरत भी नहीं है। कोई बाहरी देश इससे कोई खतरा भी नहीं रखता। अगर यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या करीब 11,900 है, जो कि पूरी दुनिया में जनसंख्या के हिसाब से 225वां सबसे छोटा देश है। इस द्वीप के क्षेत्रफल की बात करें तो ये द्वीप 26 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 192वें नंबर पर सबसे छोटा देश है। ये दुनिया का 14 सबसे छोटा देश है। यहाँ आपको बहुत ही भीड़ भाड़ देखने को मिल सकती है, मतलब बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ एक वर्ग किलोमीटर में आपको 476 आदमी देखने को मिल जाएंगे। जनसंख्या घनत्व के मामले में पूरी दुनिया में 27वां स्थान रखता है। यहाँ के रहने वाले लोग बड़े मोटे होते हैं। तुवालू कई प्रशांत देशों की तरह दुनिया की सबसे मोटी आबादी में से एक है। एक रिपोर्ट के अनुसार तुवालू को दुनिया के 5वें सबसे मोटे देश के रूप में स्थान दिया गया। यहाँ कुल आबादी में 18 वर्ष से ऊपर के नागरिकों में 80% लोग मोटापे के शिकार हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ के खान पान को माना जाता है। ये लोग अपने भोजन में ऑयल बहुत ज्यादा मात्रा में फैट का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग अपने शरीर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। यहाँ के लोगों में एक्सरसाइज को लेकर कोई जागरूकता नहीं है। दोस्तों, हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत करती है आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग और रोचक वीडियोस लाने में, तो प्लीज अपना प्यार जरूर दें। इस देश की अर्थव्यवस्था इतनी ज्यादा खराब है कि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं ये देश संयुक्त राष्ट्र में शामिल ना हो सका, क्योंकि उसके पास संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने के लिए प्रवेश शुल्क नहीं था। आपको हैरानी होगी कि जब इंटरनेट डोमेन का नाम इस देश को पहली बार दिया गया, जो कि था .tv, जो कि तुवालू का शॉर्ट नेम है, इस डोमेन को ये देश 12 वर्ष के लिए $50 मिलियन पट्टे पर दे दिया गया, और उस $50 मिलियन से 2012 में संयुक्त राष्ट्र में ये देश शामिल हुआ। बाकी बचे पैसे अपने यहाँ बिजली और एजुकेशन सिस्टम को सही करने में खर्च कर दिए इन्होंने। इस देश में आपको कोई भी नदी, तालाब और झरना नहीं देखने को मिलेगा। ये देश पूरी तरह से समुद्र में घिरा हुआ है। यहाँ के लोग पानी पीने के लिए पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर हैं। ये लोग बरसात के पानी को इकट्ठा करके उसका उपयोग पीने और खाने के लिए करते हैं। ये लोग वर्षा जल को बचने और संग्रह करने बहुत माहिर होते हैं। तभी तो ये लोग साल भर की जरूरत होने वाली पानी वर्षा से प्राप्त करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। तुवालू के रहने वाले लोगों का खान पान पर नजर डालें तो यहाँ लोग मुख्य रूप से नारियल और समुद्र में पाई जाने वाली मछलियाँ मुख्य रूप से खाते हैं। यहाँ की मिठाई में आपको कुछ जानवरों का दूध मिलेगा। यहाँ के लोग मिठाई बनाने में मुख्य रूप से नारियल का इस्तेमाल करते हैं। इस देश की पारंपरिक भोजन की अगर हम बात करें तो पुलाका, तारो, केला, ब्रेडफ्रूट और नारियल है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड हमें कमेंट करके बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि हमारा एपिसोड आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह की वीडियोस लाते रहते हैं। देखने के लिए शुक्रिया।